डे 7 ऑफ ग्रोइंग $100 अकाउंट टू द $100,000। और आज काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि फ्राइडे हो सकता है हमें स्विंग ट्रेड मिले। अगर स्विंग ट्रेड मिलती है तो ओवर द वीकेंड हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि रिस्की होता है स्विंग ट्रेड होल्ड करने के लिए इतने छोटे अकाउंट में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बड़ी मूवमेंट्स आ सकती है ओवर द वीकेंड। अगर स्विंग ट्रेड लेता हो तो डेफिनेटली लॉट साइज हमारा यहाँ पे कम रखेंगे थोड़ा। और अगर जीबीपी जेपीवाई पर अगर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये सपोर्ट जो है वो अभी भी काम कर रहा है। ओके, ये सपोर्ट पे अभी भी मार्केट जो है वो होल्ड कर रहा है, तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के लिए चाहिए होगा एकदम तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पर। ओके, अभी तो सस्टेन कर रहा है ऊपर ही, इसका मतलब यहाँ पर बाइंग की मूवमेंट भी आ सकती है, क्योंकि अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं तो ये वीक जो है वो रिजेक्ट हुई है यहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारा बाइंग का प्रेशर है, और अगर ये बाइंग का प्रेशर हम क्रैक करके नीचे की तरफ आते हैं तो काफी अच्छा खासा नीचे की तरफ भी मूवमेंट आ सकता है। लेकिन फॉर नाउ यहाँ पे बुलिश दिख रही है चीजें। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पे खिसका लेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से आज का हमारा यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, और अगर 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पर यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और अगर ये सपोर्ट से ब्रेक होता है और अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हम यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे ये मूवमेंट। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है इसके ऊपर तो हम बाइंग के साइड भी जा सकते हैं। ओके, गोल्ड का भी एनालिसिस करता हूँ और आपको बताता हूँ गोल्ड का भी एनालिसिस। पहले चीजें में मुझे लग रहा है कि अभी ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना टाइम हमारा हुआ है प्री न्यूयॉर्क चालू है अभी, तो प्री न्यूयॉर्क में जो हम ट्रेड कैप्चर करते हैं वो काफी लंबा चलता है और अच्छे खासे वहाँ पे हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज फ्राइडे, तो पहले हम न्यूज चेक करते हैं कि मार्केट में कोई न्यूज तो नहीं है, क्योंकि न्यूज की वजह से काफी बार जो है अकाउंट रिस्क पे चला जाता है। तो लेट्स सी, हम न्यूज जाना हमेशा चेक करते हैं ऑन forexfactory.com। ओके, तो देखते हैं आज का क्या न्यूज है। ओके, तो गोल्ड के लिए वैसे कुछ न्यूज नहीं है, कैनेडियन डॉलर के लिए यहाँ पे हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज है। 6 बजे यूजुअली इस पे न्यूज होता है गोल्ड पे। ओके, तो आज नहीं है लेकिन गोल्ड पे न्यूज, तो हम यहाँ पर ना ट्रेड प्लान कर सकते हैं गोल्ड में भी। ओके, तो गोल्ड भी देख लेते हैं गोल्ड का क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर हम गोल्ड पे जाते हैं तो पहले तो हमारा सब रिमूव कर देंगे पहले का एनालिसिस, उसके बाद अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पर जो है मैंने कल बोला था कि ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जीजे में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और आई वॉज आउटसाइड। तो यहाँ पर जीजे में सॉरी गोल्ड में ट्रेड नहीं किया, किया था हमने ट्रेड लेकिन वहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हुआ था। ओके, उसके बाद मैं फिर से एंट्री करने वाला था लेकिन टाइम नहीं मिला तो नहीं की। ओके, तो यहाँ पर जहाँ गोल्ड रिजेक्शन फॉर्म ये ले रहा है डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल स्टिक, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजेक्ट हो रहा है थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वीक्स रिजेक्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस फॉर्म होता दिखता है हमें छोटे टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ना ये सस्टेन कर रहा है गोल्ड। ओके, तो प्रॉफिट बुकिंग कई तरीके की होती है, ये भी एक तरीके की प्रॉफिट बुकिंग है जो यहाँ पे आ रहा है या फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो इसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, लेकिन लेट से हम ये पैटर्न्स वगैरह ट्रेड नहीं करते, ये जो बुलिश फ्लैग एंड पोल होता है उसकी तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। तो लेट से यहाँ पर हमें सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं किस तरफ ये ब्रेक होता है, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा सेटअप। ओके, तो लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर आज गोल्ड में हम ट्रेड कर पाएंगे। सो गाइस, गोल्ड में मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी क्लीन सेटअप था, सिर्फ ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और काफ़ी बड़े कैंडल स्टिक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है बेलो सपोर्ट, जो कि हम कंसिडर करते हैं काफ़ी वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी है, वो भी अच्छे सेशन में क्लोजिंग दी है, उसकी वजह से मैंने क्लीन सेटअप पे एंट्री की। और आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड चालू है और स्टॉप लॉस भी लगा दिया है हमने। ओके, सो होपफुली कल का लॉस भी रिकवर कर लेंगे और हो सके तो होल्ड भी करेंगे। अच्छा ऐसा चल रहा है अभी ट्रेड फिलहाल, और यू कैन सी मैंने मेरे चैनल में भी डाल दिया है सेम ट्रेड। ओके, कल का जो SL हिट हुआ था वो मैंने अभी अपडेट किया और फिर आज का एंट्री भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो गाइस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं ऐड कर दूंगा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग,
कि फ्यू पिप से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्यों होता है अभी ये देखो, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये जो सेशन है जिस टाइम में मैं ट्रेडिंग प्रीफर करता हूँ वो प्री न्यूयॉर्क सेशन है और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम होता है इसका मतलब ये नहीं कि आपके हमेशा वहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। वॉल्यूम का मतलब है मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। ओके, वोलेटाइल होता है तो आपको आपके ट्रेड्स का सेटअप जो है वो काफ़ी क्लीन रखना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन सेटअप था यहाँ पर, फिर भी हमारा फ्यू पिप से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद स्ट्रेट एक ही कैंडल ने हमें यहाँ पे 33 पिप्स का यहाँ पर ये दिया है। और अगर आप देखते हो अराउंड $30 यहाँ पे लॉस हुआ है गोल्ड के ट्रेड में। और आज मैं डेफिनेटली और भी ट्रेड करूंगा क्योंकि फ्राइडे ट्राई करूंगा अगर हम ये लॉस रिकवर कर पाए आज ही तो। ओके, सो लेट्स सी। तो ये सेशन मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, देख सकते हो आप काफ़ी क्लीन यहाँ पे सेटअप्स भी मिलते हैं हमें। ओके, और मुझे बताना कि मैं अगर व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ तो आप अगर देखना पसंद करोगे, मैं डेली जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा, जो भी मैं लाइफस्टाइल मेरा है थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें अगर आप देखना पसंद करोगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।